तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय नेक्स्ट एपिसोड। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग बिल्ड करने वाले भाई एक बड़ा सा विलेज। पिछले एपिसोड में भाई हमने ये वाला स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, मतलब यार एक पैलेस बिल्ड किया था, जिसका काम भाई थोड़ा सा बाकी है क्योंकि यार मेरे पास ब्लॉक नहीं थे, इसीलिए भाई थोड़ा सा बाकी है, बाद में कर लूंगी भाई। एंट्री गेट भाई मैंने खतरनाक बनाया, ये देखो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को भाई साहब, ये देखो यार खतरनाक दिख रहा है। मैं मतलब यार इसको और ज़्यादा खतरनाक बनाने का ट्राई करूंगा। हमने ये वाली साइड में एक दीवार बनाई है, ये देखो भाई, इसलिए मेरे पास थोड़े से ब्लॉक की कमी हो गई, इसलिए भाई ये काम मतलब हो नहीं पाया यार पूरी तरीके से। ये देखो गाइस, अंदर से दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, अंदर मतलब मैंने कुछ खास नहीं किया है अभी, मैं बाद में करूँगा बिल्ड भाई। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये देखो भाई पहाड़ है, इसको करेंगे यार बाद में कंप्लीटली करेंगे। ये देखो यार, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। इस वाले प्रोजेक्ट में भाई हम करने वाले एक विलेज भाई, वो भी हवे में, मतलब यार हम ऊपर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ऊपर जाके, मैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बनाएंगे एक विलेज भाई साहब। हमको जो कुछ भी लगेगा ना इधर, सभी कुछ मैंने ला के रखा है। ये देखो भाई, अब इधर से हम जा रहे हैं ऊपर, नॉर्मल ब्लॉक लगा के जाएंगे यार। पहले तो डर्ट लेंगे बहुत ही ज़्यादा, चलो गाइस चलते हैं भाई। ये विलेज भाई इतना औसम बनाने वाला हूँ ना मैं, मतलब यार एकदम नेचुरली दिखे ऊपर जाने के बाद। और मैं ऊपर जाके भाई एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, वो प्लेटफॉर्म भाई इतना बड़ा बनाऊंगा ना मैं, मतलब यार मैं सोच रहा हूँ 150x150 का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा। मेरे पास डर्ट यार बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए भाई मैं जितना हो सके ना उतना अच्छा बनाने की ट्राई करूंगा गाइस। भाई इतने ऊपर काफी है क्या? शायद से हम ज्यादा भी ऊपर गए ना यार कुछ भी नहीं दिखेगा, विलेज अच्छे से नहीं दिखेगा, इसलिए भाई थोड़ी सी ऊंचाई कमी रखनी चाहिए भाई। थोड़ा सा जाएंगे और ऊपर शायद से भाई, इधर से व्यू भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखो भाई हमारा नीचे वाला भी एरिया सब कुछ दिख रहा है, इसलिए भाई मैंने ये वाला एरिया फिक्स किया है। इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए गाइस। तो भाई मैंने एक शेप दिया है प्लेटफॉर्म का, हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो सकता है, ये देखो भाई साहब खतरनाक दिख रहा है यार। थोड़ा सा बाकी है, इतना करेंगे हम कंप्लीटली। मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को, ये देखो गाइस यार ऑसम दिख रहा है भाई साहब। ये देखो तुम लोगों को ये छोटा दिखता होगा बट भाई इतना बड़ा है ना, मैं क्या ही बोलू। ओ भाई साहब ये देखो भाई, मुझको अंदर ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे यार, इसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ऊपर स्लोली लैंड करना पड़ेगा मुझको। चलो गाइस 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 गाइस, हाँ नाइस भाई कर गया, अब मुझको स्टार्ट करना है। चलो इसको एक कोने से स्टार्ट करेंगे हम, चलो यहाँ से करेंगे स्टार्ट भाई। फटाफट से लगाएंगे ब्लॉक्स, मतलब यार डर्ट लगाएंगे इसके ऊपर भाई, अपने आप घास भी आ जाएंगे। मेरे पास थोड़े से घास के ब्लॉक है, मैं लगा दूंगा भाई, घास आ जाएंगे अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। तो भाई मुझको, मैं सही में बोल रहा हूँ, इसको बिल्ड करने में यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा मुझको यार, प्लेटफॉर्म बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है गाइस। चलो यार बना लेते हैं, इतना प्लेटफॉर्म हमारा हो गया है इधर रेडी है, देखो मतलब आधा से ज़्यादा ही हो गया है। बट एक प्रॉब्लम हो गई भाई, उस वाले साइड में बर्फ गिर रही यार, मुझको पता है भी नहीं चला यार बर्फ गिर रही, बट अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल देता हूँ छोड़ देंगे। बट भाई नीचे वाला क्या हो रहा है भाई साहब, नीचे नाइट हो गई डे में भी भाई, गंदा हो रहा है इधर तो, मुझको पता भी नहीं था भाई ऐसा हो सकता है क्या भाई, सूरज की किरणें नहीं आ रही इधर भाई, सब ज़ॉम्बीज तो उधर बहुत ही ज्यादा है। मैं पहले तो यार थोड़े डर्ट लेता हूँ, मेरे पास चेस्ट में होगी शायद से, चलो जल्दी से जाके डर्ट लेंगे यार पहले तो। चलो भाई डर्ट किधर हो गया मेरी, हाँ ना इस इधर है,
इतनी काफी हो जाएंगी उतने प्लेटफॉर्म के लिए। थोड़ा सा बाकी है, आधे से ज्यादा काम मेरा हो गया है अब भाई। उतना कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली विलेज को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ये देखो गाइस, इधर बर्फ गिर रही है यार, मैं क्या ही करूं अब इधर भाई। मतलब यार अच्छा तो दिख रहा है बट बर्फ गिर रही है। चलो कोई बात नहीं यार, लगा देंगे फटाफट से, करेंगे ये वाला भी वर्क स्टार्ट इधर। भाई बारिश भी हो रही है इधर, चलो अच्छी बात है ये तो। इसलिए तो यार बर्फ गिर रही है बारिश के साथ। बारिश नहीं होती तो यार बर्फ नहीं गिरती थी, बट भाई कभी ना कभी तो बारिश होगी, इसलिए भाई अभी होने दो, अच्छा ही होगा। भाई सब हो गया, एक लाइन हो गया। तो फाइनली गाइस मेरा प्लेटफॉर्म इधर रेडी हो गया है। मैं ऊपर जाके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये देखो भाई, क्रीपर ने देखो क्या हालत की है, मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ इधर। ये देखो भाई, इधर क्रीपर ने हालत की है ये जैसी। भाई ज़ॉम्बीज तो इतनी ज़्यादा स्पॉन हो रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँ यार। नेट में देखे तो तुम परेशानी हो जाओगे। मैंने यार टॉर्च का भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है, टॉर्च यार इतनी, मैं 4 स्टैक टॉर्च लगा चुका हूँ इधर। ये देखो गाइस हमारा प्लेटफॉर्म बन के रेडी है। मुझको लग रहा है भाई मैं जमीन पे ही चल रहा हूँ, बट भाई इधर का एक भी ब्लॉक तोड़ देंगे ना हम, डायरेक्टली जाएंगे नीचे भाई। हमारी तो पेटी बनने वाली है, मैं सही में बोल रहा हूँ इधर। चलो गाइस, पहले तो मैं उड़ लूंगा क्योंकि मुझको चाहिए बहुत ही ज्यादा उड़। हम उड़ से ही बना सकते हैं यार विलेज, इसलिए मैं आ जाता हूँ इधर और काटने लगता हो बहुत ही ज्यादा वुड। चलो भाई फटाफट से वर्कआउट करते हैं हमारा स्टार्ट। भाई ये देखो यार कितनी स्पीड से काट रहा हूँ मैं, मतलब यार काट रहा हूँ यार। चलो गाइस, तो फाइनल गाइस मुझको एक विलेज बिल्ड करने में जो कुछ भी लगेगा ना, सब कुछ है मेरे पास। ये देखो मेरे पास चेस्ट है, एप्पल्स भी है, चेस्ट के अंदर रखूंगा मैं कुछ सामान। ये देखो भाई हैवल्स है, और भाई हमको चाहिए वुड है, सब कुछ है भाई। अब डायरेक्टली मैं ऊपर जाऊंगा और बिल्ड करूंगा एक प्यारा सा विलेज, और विलेजर्स को भी ऊपर लेके जाने का है। बट भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर के पास ही मैंने बिल्ड किया है। मैं सीढ़ियाँ बनाते हुए जाऊंगा और विलेज को मतलब यार विलेजर्स को लेके आऊंगा। पहले तो यह वाला स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे हम। भाई ये स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता ही होगा, हर एक विलेज में रहता है। इसके ऊपर डालेंगे हम वाटर। भाई सब अच्छा दिखता है यार, मुझको तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चलो अब मैं स्टार्ट करूंगा एक बड़ा सा घर, ट्राई करेंगे यार विलेज बिल्ड करने का। भाई मेरा फर्स्ट विलेज बिल्ड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब गलती हो गया तो भाई माफ कर देना मुझको। चलो भाई साहब इधर से मैं कर रहा हूँ स्टार्ट। यार थोड़ी सी गलती हो रही है इधर स्टार्टिंग में भाई। उड़ चाहिए हमको बहुत ही ज्यादा उड़ चाहिए। मुझको लाइक भाई 10 हाउसेस बिल्ड करना पड़ेगा। मैं एक तो बिल्ड कर रहा हूँ इधर थोड़ा थोड़ा सा। होने दो यार, थोड़ा थोड़ा सा तो होने दो। चलो एक घर बिल्ड होने के लिए आ गया है, आधा काम हो गया है शायद से मुझको, और थोड़ा बाकी है, करेंगे जल्दी जल्दी से वो भी। भाई इसको हटाएंगे पहले तो। अब हमको चाहिए वुड्स, लगा देंगे भाई। ऊपर वाले एरिया हो गया है, तो गाइस हमारा थोड़ा सा विलेज हो गया इधर बिल्ड। अभी मतलब यार मुझको और हाउसेस बिल्ड करना पड़ेगा। मैंने 4 किए शायद से, नहीं 5 किए भाई। चलो अच्छी बात है। ये देखो गाइस मैंने इतना बिल्ड किया है भाई, थोड़ा सा तो लग रहा है यार विलेज के जैसा। चलो यहाँ पर एक बिल्ड करते हैं, छोटा करेंगे यहाँ पर एक, क्योंकि बड़ा मैंने 2 किया है, इसलिए एक छोटा सा ही करेंगे। चलो गाइस फटाफट से करते हैं। ये हाउस मतलब यार इजी है, इतना हार्ड भी नहीं है ये वाला हाउस। ये देखो भाई बहुत ही ज्यादा इजी है, बट यार टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसीलिए भाई करेंगे जल्दी से। गाइस हो जाए एक बारी।
चलो भाई ऊपर वाला साइड होने वाला है इधर। ये देखो गाइस हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा यार। थोड़ी सी गलती हो गई क्या ऊपर वाली साइड बनाने में मुझको, बट भाई कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है। चलो विलेजर रहेंगे ना भाई, काफी होगा। बट भाई एक विलेज के जैसा दिखना चाहिए सिंपली। चलो ये वाला भी घर हो गया इधर बिल्ड। भाई हमको ग्लास के लिए ऊपर बनाना पड़ेगा, मैंने एक एक ब्लॉक नीचे बनाया था। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई फटाफट से बेड लगा देंगे, एक चेस्ट भी लगा देंगे इधर। और क्या होता है भाई विलेज में, हाँ भाई ये भी लगा देंगे, अच्छा दिखेगा लुक के लिए। खत्म हो गया भाई, ऐसे ही बिल्ड करेंगे और दो तीन घर, मतलब यार हाउस। चलो ये भी लगाना पड़ेगा यार मुझको, ये भी होता है गाइस, एक एक विलेज में होता है ये भी, मैंने देखा है, इसलिए भाई मैंने लगा दिया जल्दी से। मेरे पास ब्लॉक्स भी थे, ग्लास भी लगा देंगे भाई। ये देखो ये फाइनली हो गया है कंप्लीट इधर। चलो गाइस इतना तो हो गया हमारा, आधा विलेज हो गया है शायद से। हाँ भाई आधा विलेज हो गया है इधर हमारा कंप्लीटली। तो फाइनली गाइस हमारे इधर पूरा का पूरा विलेज हो गया है कंप्लीटली। ये देखो मैंने थोड़ा ग्रास भी लगाया इधर भाई, बोन का यूज किया है मैंने जल्दी से ग्रो करने के लिए। देखो भाई एकदम रियल दिख रहा है, बट एक प्रॉब्लम है भाई, एक लेवल ही दिख रहा है सभी कुछ भाई। सब घर तो देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये वाला घर भी मैंने बिल्ड किया है भाई, बड़ा सा घर है। चलो गाइज हमारा प्यारा सा विलेज, अब हमको विलेजर को लेके आना है इधर। उसकी भी सारी तैयारी मैंने करके रखा है, डायरेक्टली विलेजर बैठेंगे माइनक्राफ्ट में, आएंगे डायरेक्टली विलेज के अंदर ही एंट्री करेंगे वो। चलो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, भाई ये कहाँ से आ गए भाई, अच्छा हो गया ये आ गए इधर, एकदम से रियल दिखेगा ये। देख क्या रहा है भाई, हमको कुछ भी नहीं चाहिए इससे, बट भाई अच्छी बात है यार, मुझको लगा था इधर कोई भी नहीं आएगा, बट भाई इधर आ रहे हैं यार। ये देखो गाइस इसको बिल्ड करने में यार मुझको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब हम इधर से जाएंगे डायरेक्टली हमारे घर के अंदर, तुम देखो इतने अच्छे तरीके से जाएंगे ना हम। ये देखो भाई साहब यार मुझको रियली में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ ऐसा लग रहा है, साउंड भी मतलब यार थोड़ा बहुत ऐसा ही आता है गाइस। ये देखो भाई डायरेक्टली मेरे घर के अंदर ही एंट्री, भाई वापस नहीं जाना है गाइस। ये क्या हो रहा है भाई, मैं वापस ही जा रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी गलती की इधर, इसको हटाना पड़ेगा और भाई करंट को भी हटाना पड़ेगा, मतलब यार टॉर्च को हटाना पड़ेगा हमको। चलो भाई हटा देंगे जल्दी से, नाइस ये वाला हो गया। इधर हम नॉर्मल लगा देंगे, इसको भी हटा के नॉर्मल लगा देंगे, खत्म हो गया भाई इधर। अब वापस नहीं जा सकते हम। चलो भाई 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 विलेज क्या दर? इन्फिनिटी दे रहा है, चलो कोई बात नहीं भाई, इसको तो हम ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एक बंदा दे रहा है, डायरेक्टली चला गया ऊपर भाई। उससे पहले हम जाके देखेंगे भाई, वो इजीली आ रहे हैं ना ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना उसको। चलो भाई साहब हम जा रहे हैं अब ऊपर भाई, आ जा आ जा आ जा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाइस। ये देखो फाइनली विलेजर आ गया हमारे न्यू विलेज में, पहले तो उसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, मैंने करंट को भी हटाया है क्योंकि यार वो वापस भी आ सकते हैं इसके लिए। चलो अब हम जाएंगे नीचे भाई, एक एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने करंट हटाया है ना, उसको लगा के आएंगे यार टॉर्च को, मुझको याद ही नहीं था ये वाला एरिया में, हम हटा दिया है। ये देखो गाइस अब जाएंगे और एक और विलेजर को लेके आएंगे, इस बार भाई हम मतलब नॉर्मल विलेजर को लेके आएंगे यार, जॉब नहीं होनी चाहिए उसको। चलो गाइस आ जाओ जल्दी से प्लीज़ भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ आ जाओ। चलो चलो गाइस एक और लगा देता हूँ मैं। ओ भाई बैठ गया, नाइस भाई जा रहे ऊपर, अटक गया क्या यार, नाइस अटक गया यार इधर, करंट इजीली नहीं आ रहा, थोड़ा सा पुश करेंगे इसको, नाइस भाई इधर ये देखो भाई करंट नहीं आ रहे थोड़ा सा। चलो गाइस कोई बात नहीं, एक और भाई चला गया ये भी। यहाँ पर गाइस तीन तीन विलेजर चले गए अब इजीली ऊपर, पहले तो हम भी जाके देखेंगे गाइस, भाई ये कटक गया शायद से, इसको भी पुश करना पड़ेगा हमको। चलो भाई चला गया यार ये भी, ये तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। अब हम ब्रीदिंग कराएंगे,
भाई विलेजर से विलेजर हो जाएंगे। इधर ऊपर वाले साइड में गाइस ये देखो भाई, ऐसा विलेज मतलब यार अभी तक कोई भी बिल्ड नहीं किया होगा शायद से। भाई इसको हटा देंगे, एक तो चला जा भाई, अंदर चला जा विलेज के अंदर चला जा भाई, फटाफट से जा रहा है बंदा। भाई जॉब लेगा क्या जाके, मैं देख लूंगा यार। चलो एक तो चला गया अंदर भाई, दूसरा वाला भी जाएगा भाई। ये देखो हमारा प्यारा सा विलेज बन के रेडी है। तो इस वाले एपिसोड में इतना ही गाइस, मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, एडवेंचर एपिसोड में। तभी के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम लोग एक बिल्ड करेंगे, मतलब यार तुम लोग कमेंट करना, मैं तुम जो बोलोगे ना वो बिल्ड करूंगा यार मैं। ये देखो गाइस इतनी मेहनत करके बिल्ड किया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है गाइस।